किचन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब एक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं आज क्या बनाऊंगी आप भी देखते रहिए। और एक बात फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल सूप, बहुत ही हेल्दी स्टाइल से बनाऊंगी। अभी तो ठंडा का मौसम है, ठंडा में गर्मी गर्मी सूप खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं वेजिटेबल सूप बनाने के लिए यह मैंने ले लिया बारीक काट कर ले लिया बीन्स, कैरेट, कैबेज, पेप्सिकम, एक ओनियन, गार्लिक और जिंजर, मतलब लहसुन और अदरक। पहले मैं चूल्हा पे कढ़ाई दे दिया, अभी दे दूँगी 2 टीस्पून बटर, मतलब 2 चम्मच बटर। बटर से ही बेस सूप बनाना बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकती है। यह मैंने दे दिया गार्लिक और जिंजर सब, मतलब अदरक और लहसुन। इसको अच्छी तरीके से भूनना है ताकि इसका कच्चा बन जो सेंड है वो निकाल जाए। इससे बेस सूप का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप डाल दूंगी कैरेट, बारीक कटी कैरेट में सूप करके रखा है सारा बेस को। आप डाल दिया ओनियन मेरी पास, और प्याज का जो कलिया है वो नहीं है, उसे देना और फ्लेवर अच्छा आता है। तो मैं यह एक ओनियन ही एक ओनियन भी ले लिया। आप चाहे तो वही भी यूज़ कर सकती है। आप डाल दूंगी ऑर्गेनो, 1 स्पून ऑर्गेनो, इससे भी और फ्लेवर अच्छा आता है। और डाल दूंगी ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, यानी कि काली मिर्च पाउडर। अभी सारा बेस को अच्छी तरीके से भूनना है, यानी कि पकाना है। 5 मिनट इसको अच्छी तरीके से पकाऊंगी ताकि सारा बेस का जो कच्चा बन सेंड है वो अच्छी तरीके से निकल जाए और हमारा बेस सूप बहुत ही लाजवाब बने। तो देखिए, इस तरीके करके मैं 5 मिनट अच्छी तरीके से भूनूंगी, क्योंकि हमें हेल्दी स्टाइल वेजिटेबल सूप बनाना है। अभी मैं डाल दूंगी 1 कप वाटर। आप चाहे तो बेस सूप जितना बनाओगी उससे आइडिया करके आपको बेस वन यानी कि सारी चीज बढ़ाई और कमा सकती है। आप डाल दूंगी नमक, नमक पहले डालना था क्योंकि मैं दूसरी भी मेरा ध्यान था, इसलिए आप मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर में 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी पानी में अच्छी तरीके से मिला के डाल दिया, क्योंकि देखिए यहाँ बेस वेजिटेबल सूप कितना अच्छा सा बढ़िया सा बनी है। तो देखिए, ये बहुत ही हेल्दी स्टाइल है। आप सर्दी का मौसम में गर्मी गर्म खा जाएगा तो देखिएगा कितना अच्छा टेस्टी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए रखती हूँ, खुदा हाफिज़।